हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या हाल चाल है आपके। तो सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे ये सूट दिखा रही हूँ जो कि किसी ने मुझे करीब से दिखाने के लिए बोला था। हालांकि मैंने इसका स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, बट कल ही उनका मेरे पास कमेंट आया था कि ये वाला सूट ना एक बार पास से दिखाना कि इसका फैब्रिक क्या है। तो इसका फैब्रिक ना सिल्क टाइप का है, ओपाड़ा सिल्क भी नहीं है और क्रेप सिल्क भी नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा मतलब कौन सा सिल्क है, बट सिल्क टाइप का फैब्रिक है। नीचे पूरे में इसमें लाइनिंग लगी है दोनों साइड, और बहुत ही प्यारा सूट जो है ना स्टिच होके आया था। ये जहाँ से आया था वो भी मैंने आपको बता दिया था। और कलर है इसका जो बहुत ही लाइट सी ग्रीन कलर होता है ना, वो वाला इसका शेड है। और कोई भी लाइट कलर का सूट ना शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहना होगा, क्योंकि मोस्टली जो है ना मैं डार्क कलर पहनना पसंद करती हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे ऊपर डार्क कलर ही सूट करते हैं, बट ये वाला सूट पहन के मुझे लगा कि हाँ ये वाला कलर भी अच्छा लगता है। कभी कभी जो है ना थोड़ा अलग भी ट्राई करना चाहिए। तो लो जी, आपकी ये वाली बात मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में ही दिखा देती हूँ, वरना फिर तो मैं पूरा व्लॉग निकल जाएगा और भूल ही जाऊँगी। अच्छा, और आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स जो है ना उसमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं। आज का जो व्लॉग है ना वो आपको सच में बहुत पसंद आने वाला है। मैं आपको किसी नए मेंबर से भी मिलाऊंगी, तो वीडियो देखते रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा स्वागत मेरे चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और आज जो मैं ये रेडी ना एक वीडियो बनाने के लिए हुई थी, एक शॉर्ट वीडियो मुझे डालना था उसके लिए तैयार हुई थी, लेकिन अचानक से प्रोग्राम बन गया है कहीं जाने का। और कहाँ जाने का प्रोग्राम बना आप देख के खुश हो जाओगे, आपको भी मज़ा आने वाला है। और किसके साथ जा रही हूँ वो सारी चीज़ें भी आप ये जो है आपको वीडियो में पता चल ही जाएंगी। जो मैंने बर्थडे वाले ब्लॉग में दिखाए थे आपको, उस दिन मैं बहुत ध्यान से बहुत ढंग से किसी को भी नहीं दिखा पाई थी। मेरा भतीजा और भतीजे की बहू आए थे उस दिन, तो उन्हीं के साथ जो है ना मैं जा रही हूँ। और सफ़ेद बालना ये वाला जो मेरा ऑपरेशन हुआ ना, इसके बाद काफ़ी सारे मतलब पता नहीं टेंशन से या किस चीज़ से मेरे बहुत सफ़ेद बाल आ गए, पहले बिल्कुल भी नहीं थे। तो वही 30 क्रॉस होने वाले हैं, तो ये है ना बुढ़ापा शुरू होने लग गया। पहले 60 के बाद बुढ़ापा आता था, लेकिन अब तो 30-40 के बाद ही शुरू हो जाता है। तो त्रिश जो है ना सुबह से नहाया नहीं था, 12 बजे का टाइम हो चुका होगा अभी, 12:15 के आसपास का। तो उसको फटाफट से उसके पापा जी ने नहला दिया है, उसकी माँ जी के पास दे दिया है, जो कि उनको त्रिश को रेडी कर देंगे जब तक कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और फटाफट से वो अपनी वीडियो बना लेती हूँ जिसके लिए मैं रेडी हुई थी, वरना वही रह जाएगी और मैं तैयार हुई हुई वहाँ चली जाऊँगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आप सभी को टाइटल देख के समझ आ गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या सस्पेंस बनाना है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, और अचानक से ये मेरा प्रोग्राम बन गया था क्योंकि मेरे से 10 मिनट की दूरी पे जो है ना मेरा भतीजा और भतीजे की बहू रहते हैं यहीं पे दिल्ली में ही, तो उनको जाना था। मम्मी ने उन्हें खाने पे इनवाइट किया था, तो मैंने भी बोल दिया कि भाई जाते जाते मुझे भी लेते हुए चलना। अभी जो है ना हम पहुंच चुके हैं, और ये वही दादी सास के पैर दबाए जा रहे हैं। तो ये ना मेरे जो ताऊ है ना, ताऊ का पोता और उनकी बहू है सगे ताऊ के, और मेरे पास में रहते हैं इसलिए मेरे यहाँ आना जाना हो गया था। मैंने स्टार्टिंग में बुला लिया था, और फिर मम्मी ने कहा भाई मेरे घर भी आना खाने पर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता ही है ना। और अभी खाना वाना सब हमारा हो चुका है, क्योंकि आने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था, 1 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो फिर मम्मी ने नाश्ता पानी हमने सब कुछ मैंने मना कर दिया कि मम्मी सीधा आप खाना ही लगा दो, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। फिर उसके बाद जो है ना जो भतीजा मेरा अंदर जाके लेट गया था, और बहू जो है जो भी मम्मी के लिए लेके आई थी वो मम्मी को दे रही थी। अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है भाई, से और ये ना मम्मी के लिए ये साड़ी लेके आई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। मम्मी के हिसाब से पार्टी वियर साड़ी थी, लाइट से शेड में, और पापा के नाम का पैंट शर्ट, एक बर्फ़ी का डिब्बा और केले अंगूर बहुत सारा सामान लेके आई थी। मैं निश्चय और त्रिश बाबू को लेके आई थी मम्मी के लिए। क्योंकि मम्मी ये ना जापे में मैं स्टार्टिंग में अब की बार यहाँ रह गई त्रिश को लेके, तो फिर ऐसे बच्चे में थोड़ा मुंह पड़ जाता है। मम्मी का निश्चय में भी काफ़ी मुंह था, लेकिन त्रिश के लिए बार बार बोल देती है कि मेरा त्रिश देखने का मन कर रहा है, मेरा त्रिश देखने का मन कर रहा है। 10-15 दिन में हर बार बोल ही देती है मुझे ये बात। और यहाँ पे त्रिश बाबू देखो, इन्हें ना मतलब भिचके रहना पसंद नहीं है कि कोई बार बार इसे गोदी में उठाए या ऐसे वैसे, इसको खुला रहना पसंद है। और अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि मम्मी ने क्या मतलब बहू को देना है, वो निकाल के जो मम्मी ने रख रखा है। ये पैंट शर्ट है, ये तो देखो होते ही होते हैं, चाहे कोई आए या कोई जाए, ये तो इधर से उधर चलते ही हैं। और ये मम्मी ने एक साड़ी निकाल रखी है। मम्मी मेरे को बोल रही थी एक दो या दो दो, मम्मी आपका एक का ही हक है, आप दो क्यों दोगे भाई, वो तो पहली बार आई है बहू है, आप एक ही दो, फिर कभी जब आए फिर दोबारा दे देना।
ले होगी कि देखा होगी मैं ना गाड़ी में जाएंगे जब दिखेंगे नहीं 100 पीस। और यहाँ पे है ना मम्मी कर रही है अभी अपनी मान तान की तैयारी, क्योंकि साथ में मैं भी हूँ और वो भी हैं, तो पहली बार आए हुए को तो बहू को भी देना ही होता है खाने पे जब कोई भी बुलाता है। तो नीशू ने छेड़ू ना नहीं ना ले चल और अब भाई दोनों दादा सर बहू ना फोटो खिंचवाने की कह रही थी, मम्मी कह रही थी फोटो खींच दे एक हमारे साथ में, तो मुझे लगा चलो एक वीडियो क्लिप निकाल के आप लोगों को भी अच्छे से दिखा देती हूँ। दोनों के साथ में जो है वीडियो भी बना दी है और बताना आपको कैसी लगी भाई। और तो अपने पर्स है, पर्स हाथ में और क्या है? थैली में मैं कुछ ना लेगा, मैं तो अपना पर्स लेकर आई हूँ। अच्छा वो तो ये हो रही, कोई बात नहीं है, तो हाथ में भी रख लेंगे, गोदी में भी, वो पीछे रख लेगा सामान जो ज्यादा है। बाबू अच्छा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे आने का मेन पर्पज़, मेन बहाना पता है क्या था, मैं आपको बताऊँ। हमें ना काफ़ी दिन से मतलब तेल लेना था, तेल जो है ना सरसों का इकट्ठा ही लेने में फ़ायदा रहता है सीज़न पे, तो दिल्ली की बजाय ना यहाँ पे ज़्यादा ठीक मिल जाता है हरियाणा साइड में। तो झज्जर से है ना मम्मी को बोल रखा था कि मम्मी तेल की बात कर लेना, तो मम्मी ने बात कर रखी थी पड़ोस में ही जो चक्की है, तो वहाँ से तेल भरवा लिया था अपना, ये डिब्बा अलग से लेके आए थे, क्योंकि ये यूँ कहते हैं कि टीन में लेने से ना नीचे गंदा तेल जो होता है मतलब वो ना नीचे ही रह जाता है, क्योंकि पूरे टिन को तो हम देख नहीं सकते खोल के। और अपने डिब्बे में डलवाने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें हम आँखों के सामने देख सकते हैं कि साफ साफ तेल सामने आ रहा है। तो मेरा तेल लेने के बाद ना फिर इनका भी मूड बन गया कि चलो बुआ जी एक टिन ना फिर हम भी ले जाते हैं। फिर अब इनका टिन आना रहता है, मम्मी वहाँ पर बोल गई है जाके, तो वो अभी घर पर रख जाएंगे और फिर हम निकलेंगे। बस इनके तेल के टिन के ही वेट में बैठे हैं। और आपने ले लिया है तो किस भाव में लिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने लिया है 160 के भाव में, हाँ, लेकिन तेल बहुत अच्छा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा तेल है। घर आने के बाद मतलब यूज़ करके भी मैं देख चुकी हूँ, बहुत ही साफ़ है। वैसे तो ना हम दो लेते, मतलब दो टीन लेने की सलाह थी इस बार, बट हुआ क्या कि जो इनका निश्चय के बर्थडे का त्रिश का प्रोग्राम किया था ना छूचक का, तो उस दिन वाले प्रोग्राम में और आधा टीन से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हमारा रिफाइंड जो है ना बच गया है। वैसे हम घर में रिफाइंड खाना कम पसंद करते हैं, बट अब वो बच गया है, तो फिर इसलिए हमने एक ही टीन ले लिया है सरसों के तेल का, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जो है सरसों के तेल में ही खाना बनता है। ले ले मामी, ले ले जल्दी जल्दी। अच्छा मम्मी बाय। भाई चाल, भाई चाल, गर्मी हो रही है घड़ी। अच्छा मामी भाई करे बुढ़िया भी। गर्मी ना इतनी ज़्यादा थी कि एसी से भी गाड़ी एकदम से ठंडी नहीं हो पा रही थी, तो त्रिश भी इसीलिए रो रहा था। जो आपने देखा घर से निकलते ही त्रिश कितने तेज़ रो रहा था ना गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे तो खुद बहुत गर्मी लग रही थी। तो जब गाड़ी चली ना तो वो आराम से शांत हो गया था। और अभी निश्चय का जूस पीने का मन था, उसने पहले ही बोल दिया था कि गन्ने का जूस पिलाना भैया, तो भैया गए हैं भैया सबकी ही फरमाइश पर जूस लेने के लिए। हाँ बहू ने नहीं पिया था क्योंकि उसे पसंद नहीं था गन्ने का जूस, कह रही थी मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी हम सब ने जूस पी लिया था। और ये देखो त्रिश अब कैसे शांत बैठे हैं महाराज, जैसे तो ये रो ही नहीं रहे थे बिल्कुल, कितनी तेज तेज आवाज करके रो रहा था उस टाइम। नीशू तो काफी बड़ा है, थोड़ा नहीं, देखा सैंडल में किस में कितना कितना फर्क है, सैंडल तो सेम पहन रखी है दोनों ने, पर इसका पैर छोटा है, इसका पैर छोटा है, नीशू पतला भी है ना बेटा, सारी छोटी भी है। हाँ यो तेरी मम्मी छोटी है क्या हाइट में? ना मेरी मम्मी तो अच्छी लंबी है, 5-6 की मम्मी। फिर यो फीस पे नीशू क्यों चक्कर काट रहा है बेटे, चलो तो नहीं अभी पर्स तो गाड़ी में पड़ा है, और भी खिला दूंगी तुम्हें। कौन से पैसे? 10 की। फिर वो दीदी को क्या पिलाएगा? क्या वो भैया की गाड़ी कौन सी कहाँ गई? लेकिन क्या पहुँच गया भैया तो है बेटा, फिर उसको कैसे दिलवाऊंगे, हम यहाँ पर से नहीं ले रहे ना बाबू, 5-5 रुपए की लेंगे, 5-5 की क्या मिलेगी, आ जाओ अभी कर ले, आ जा ठीक है ले, इसके पैसे तुमने दे दिए थे क्या?
पता नहीं निश्चय की पॉकेट में कब के 10 रुपीज़ रखे थे, तो जैसे ही मैंने बोला ना कि मेरा पर्स तो बेटा गाड़ी में है, क्योंकि अभी यहाँ पे है ना हम CNG पंप पे खड़े हैं, तो वो CNG डलवाने गया है और हम उतर गए थे क्योंकि उस टाइम पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और गर्मी आजकल हो ही बहुत ज़्यादा रही है। तो यहाँ मैं बच्चों को चीज़ दिलवाने आई हूँ, एक तो मेरा निश्चय और एक भाई निश्चय की साली है मतलब कि जो ये बहू है ना इसकी छोटी बहन है, ये रियल बहन है, ये इससे 18 साल छोटी है, काफ़ी छोटी है इससे भाई, इसकी भी बच्चों जैसी है इसीलिए इसके साथ साथ रहती है। जब मेरे घर आई थी तो भी मेरे साथ इसके साथ आई थी, मम्मी के घर गई तो भी इसके साथ ही गई। कहाँ तक पहुँच गया है ये तो मत रहने दे भाई, इसने प्राचीन है, तू ये जब भैया को खिलाया, एक बच गया, एक भैया को खिलाया ना। फिर तू लेके क्यों आया, देख इसकी आदत है सब तेरे में, ना खा रहे वो ना खा रहे भाई, मेरे कपड़े क्यों गंदे कर रहे अपने इसमें रख कर दे भाई प्राची बाय चल साक्षी इसको छोड़ दे भाई, इसकी साली ने छोड़ जा, लॉक कर बेटा पहले लॉक कर गाड़ी को, निशु बेटा देर मत कर, रात हो रही है, बाबू अच्छे से बंद ना हुई, हट जा बेटा, मैं पर्स में से यहाँ पैसे कैसे निकालूंगी, उधर बुला ले इसको, उधर बुला ले, अच्छा भाई हाँ भाई ठीक है भाई, अरे जल्दी जल्दी आ जाए करो, बाय बाय, 10 रुपए है, जले क्या जल्दी ले मेरे सामने ही। पता है घर से तो बिल्कुल सही टाइम पे निकले थे, लेकिन CNG की लाइन में ना 1 घंटा लगभग जरूर लग गया होगा और आते आते एकदम दिन सा ही छिप गया। देखो भी साक्षी ने ले लिया, आते ही थी इशू, साक्षी ने याद आ रही थी पूरे दिन से इसकी, है ना, साक्षी ने याद आ रही थी, तीचू को याद कर ली थी दीदी, तीचू का, और वहां पे ना कुल्फी वाला खड़ा है, देखो निश्चय, देखो आते सबसे पहले कुल्फी वाला दिखाया निश्चय ने, निश्चय जल्दी आ, ओ भाई पहले इसने दे दियो, बच्चे ने इस साइड खड़ा बच्चा दे दे इसने, निशु खड़ा ही रहेगा इसके पास, भाई ना है के, ओ भाई खत्म होली है? फिर दे दे नहीं हो पैसे ले खड़ा, दे रहा हूं ना कब निकाल ले, अच्छा भाई वो छोटे बच्चे ने लिए खड़ी है, दे देना एक बार, दे दे निशु भाई को पैसे, दे दे कितने वाली है, 10-20 दस वाले थी अंकल, एक बार गली में ना आ जाएगा, और बच रही है बहुत हैं, एक बार इस गली में आ जाइए भाई हैं, ठीक है इसने तो दे दे, तो इसका सबर ना होगा, ले ले रे निशु, आ जा भाई फिर बड़े भी ले लेंगे उधर, तो यूं है यहाँ से कितनी लेके जाऊंगी मैं, निशु अंकल को पैसे दे दे, अभी अभी ना मतलब पहुंचे ही हैं, थोड़ी देर हुई है अभी घर पे पहुंचे, और आते ही ना बाहर कुल्फी वाला मिल गया, तो सबने जो है ना आइसक्रीम खा ली, कुल्फी वाला मिला तो कुल्फी ही खाई मतलब आइसक्रीम नहीं और अब मुझे करनी है रात के खाने की तैयारी, और बाहर से जब आओ ना पूरे दिन में तो मतलब चेहरा वैसे ही ढीला ढीला सा हो जाता है, अब पता नहीं आज का ब्लॉग कितना लंबा गया होगा कितना नहीं, तो सोच रही हूँ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ, ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मुझे जो है ना चेंज करना है पहले, और फेस क्लीन करूँगी फेस वॉश के साथ, क्योंकि मतलब उस रोड पे तो इतनी मिट्टी उड़ती है ना, पूरा फेस ऐसा हो रहा है जैसे तो इस पर एक परत सी चढ़ गई हो मिट्टी की। कल मिलूंगी अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ, और आज जो है ना मैंने बहुत दिनों के बाद बड़ी बिंदी ट्राई की थी, अब तो फिर भी ये अजीब लग रही है, लेकिन सुबह जो है ना बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि खुले बाल थे और अच्छी लग रही थी उस टाइम पे, झुमकी उमकी के साथ ना मुझे थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाना अच्छा लगता है, मैं कल मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।